नमस्कार, मैं अश्विन खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। आज फिर हमारे स्टूडियो में दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मुंबई महाराष्ट्र से हैं विजय जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और बिहार के पटना जिले से हमारे साथ जुड़े हैं लारे भसन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाराइब जी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। जैसा कि पिछले काफी सालों से ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आप लोग जानते ही हैं और सुनते ही चले आ रहे हैं, इस कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, धंधे चौपट हो गए, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, तो इस टाइम पे आज ऑनलाइन फ्रॉड अलग अलग तरीके से बहुत फैला हुआ है हमारे देश में। तो उसी पे चर्चा करेंगे कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे कि ब्लैकमेलिंग करना वीडियो कॉल करके, फिर उसको ब्लैकमेल करना, उसके बाद तरीके तरीके की स्कीम बताना कि हमने ये हमारी कंपनी ये स्कीम दे रही है, और लोग उसके झांसे में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनियां कुछ दिन रहती है और उसके बाद भाग जाती है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे कि ये जो ऑन पैसिव कंपनी पिछले 3 साल लगभग 3 साल से आई है, और ये कंपनी बोलती है कि मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूं, मेरे पास फेसबुक से बड़ा ऐप है, ऐप बनाएंगे, व्हाट्सएप से बड़ा ऐप बनाएंगे, गूगल से बड़ा ऐप बनाएंगे, सिर्फ सपने दिखा रही है, अभी तक हाँ कोई प्रोडक्ट आया नहीं है मार्केट में, आप भी जानते हाँ होंगे। तो ऐसी कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है, और इससे हमारी जनता और ये जो 7 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं, अब जो जुड़ चुके हैं तो वो तो जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारी और जनता कैसे जागरूक हो, इस पे आप कुछ बताएं। सर, पहली बात तो यह है कि लालच छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल जो भी कॉमन जनता है, इसने अपनी एक लालच छोड़ देनी चाहिए, और लालच के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जो बात कर ही नहीं सकते, मैंने नागपुर में देखा है कि 3 महीने में वो 25% बना के देता था, 100 रुपए। आज 2-3 महीने के बाद में 125 रुपए लो, लेकिन आज वो कंपनी नहीं है। ये कंपनी भी ऐसी करने वाली है, इसलिए लोगों ने, जनता ने जागरूक होकर इस कंपनी को बॉयकॉट करने चाहिए। बिल्कुल ये लालच एक ऐसी बल्ला है, और इंडिया में एक लालच से ऐसा हो गया है कि कुछ भी कर हाँ सकते हैं आप बिल्कुल लोग। बिल्कुल, उनको एक सपना दिखा दिया जाता है कि आप थोड़ा पैसा लगाएंगे और बस हाँ, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बन जाएंगे, एक सपना दिखा दो। ये इंडिया की पब्लिक इतनी ये लालची हो गई है कि इनको सब कुछ समझता नहीं है कि क्या होने वाला है। बैंक अगर मेरे को 5% 3% दे दी है, तो ये मेरे को कहां से देने वाला है पैसा? सही बात है, सही बात हेलो। है। ठीक है, लारा जी आपसे पूछेंगे, बिहार में इस तरीके की बहुत घटनाएं सामने आती हैं कि लोग इस तरीके से चैन वाली कंपनी, जो पिरामिड पिरामिड आकार की कंपनियां, मतलब ऊपर बैठा है एक आदमी, फिर वो बोलता है 3 को बनाओ, फिर उसके नीचे 3 को बनाओ, 6 को बनाओ, तो इस तरीके की कंपनियां जो आती हैं, तो आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे, आप बिहार के पटना राजधानी में रहते हैं, और वहां पास जो इस तरीके के लोग फंसते हैं, तो उस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, मैं आपको कुछ रोशनी, क्या मैं पूरी आंखें खोल देता हूँ, ठीक है? पहले के जी जमाने में क्या होता था, मैगजीन चली, मैगजीन हुआ करता था, छोटे छोटे मैगजीन, मनोहर कहानियां, सरस सलील वगैरह। तो जी उसमें कुछ जुडूको वगैरह का फ्रॉड करने वाले, जुडूको टाइप का कुछ ऐड डालते थे कि इसको भर के भेजिए तो आपको ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। तो वो हर दौर में हर चीज चेंज होता चला जाता है, मैं उसी जी पर आ रहा हूँ, चेंज होता चला जाता है। इसी तरह से मैंने भी एक कंपनी से मतलब धोखा खाया हुआ है, पूरी एक्सपीरियंस है मेरे साथ। उसके बाद टेलीविजन का दौर आया, टेलीविजन से लोगों ने धोखा खाया, रेडियो से धोखा खाया, ये तो होता रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग इसमें पहले जुड़ते हैं और उनके दिमाग में ये होता है कि कंपनी अगर भागेगी भी तो 5-6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब तक हम जो है, हम जो जुड़े हैं, हम 4 लोगों, 10 लोगों, 100 लोगों को जुड़े
जोड़ के हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी कंपनियां ऐसे लोगों को पहले बनाती है, और ये लोग जो अभी है ना इनसे जुड़े हुए, ये लोग हर जगह, चाहे पटना की बात कर रहे हैं, पटना है, गया है, ये इतने लोग सब पागल हुए हुए हैं। होता क्या है, अब मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ, आपकी एज मान लीजिए या हमारी एज अभी 42-44 के आसपास है, न्यू जनरेशन जो नई खेप जो पैदा लेती है, जिसने 98 में जन्म लिया, 2001 में जन्म लिया या 99 में, तो नई सोच, नया मतलब दुनिया देखते हैं, तो उनकी नजरों में ये जो फ्रॉड है ना, फ्रॉड लगता है लोगों का सुना हुआ लगता है, तो उनके लिए थोड़ी सी जो कहते हैं कि प्रासंगिक बातें हो जाती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अभी जो नई खेप है वो तुरंत कैच हो जाती है, क्योंकि उनके साथ वो धोखा हुआ नहीं रहता है, तो वैसे लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। अब जो आईटी सेक्टर का जो फ्रॉड चला है वो देखेंगे आप, उनका पैटर्न समझेंगे, वो ज्यादातर मद्रास, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, इस जगह से ही ये ज्यादा ऑपरेट होता है ज्यादातर। जैसे रेडियो के जमाने में ज्यादातर दिल्ली में के लोग ज्यादातर इसको ऑपरेट करते थे, विज्ञापन वगैरह डालते थे। बड़ा अध्ययन है इस मामले में आपको, और बड़ा इस पे आप चोट खाए हुए आदमी दिख रहे हैं। जी जी, मैं पूरी इसको पूरी तरह से समझ चुका हूँ, इस फ्रॉड को। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों को आप देख चुके, उसी दौर में मैं भी 1,00,000 रुपए का झटका खा चुका हूँ। उसने अच्छा। क्या किया था कि मुझे 1,00,000 रुपया मुझसे लिया, और उसने कहा कि भाई ऐसा है, और मेरे जानने वाले, मेरे अपने कजन ने मुझे उसको इन्वॉल्व करवाया था। 1,00,000 रुपया मैंने जमा किया था, 2011 की बात है। 1,00,000 रुपया जमा करने के बाद उसने कहा था कि 30,000 रुपया पर मंथ। अब सोचिए भाई, 1,00,000 रुपये में 30,000 रुपया पर मंथ उस जमाने में मिलने लगे तो कोई भी कोई काम ना करता, मतलब मैं भी कोई काम नहीं करता, बस 30,000 रुपये आते रहते और मैं कमाता मतलब रहता। एक बारगी एकदम से करोड़पति, आप लखपति बनने के लिए एकदम से आपको लिया था कि बस ये पैसा आता रहेगा, इसी पैसे को मैं लगाता रहूंगा, बस यही सोच लिया था। अब देखिए हुआ क्या कि जरा सा चुप करा दो, 1,00,000 रुपए में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 30,000 रुपए का दिया, पहला 30,000 ठीक है, दूसरा 30,000 भी मिला, 60,000 रुपए। अब मेरे बचे हुए थे 40,000 रुपए। उसने कहा कि आपका 1,00,000 रुपया सेव रहेगा, बस आपको ये पैसा इंसेंटिव मिलता रहेगा, आप दो लोग चार लोगों को जोड़ते रहिए। मैंने सिर्फ दो लोगों को जोड़ा था, सिर्फ दो लोगों को। अब उस कंपनी का तो चैन मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने दो लोगों को जोड़ने के बाद मैंने उनका चेन ब्रेक कर दिया। ब्रेक इसलिए किया कि मेरा ड्यूटी था उन लोगों को बनाने भर, उनके नीचे जो दो बनने वाले थे उन लोगों ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने भी मतलब अमाउंट अलग अलग था। मैंने 1,00,000 लगाया था, उन लोगों ने 10,000 लग करके लगाया था, मैं थोड़ा लालची ज्यादा हो गया था जी। 60,000 रुपये में उसने लॉक कर दिया और मेरा पैसा ब्लॉक कर दिया जी, आना बंद। कंपनी कौन सी कंपनी, क्या हिसाब किताब वो जो होता है उनका, वो कंपनी की वजह से मेरा जो बैंक अकाउंट में आना है ये है, तो मैंने कंप्लेन किया, मैंने अपने भाई को, भाई जो है उसके जानने वाला था, उसको कंप्लेन करने लगा कि यार तुमने ये क्या कर दिया, तो ये कुछ इशू आ गया है, कुछ ये आ गया, मतलब बतोला करना शुरू कर दिया। तो मेरा पैसा फंस गया, मैंने उसको एकदम जो कहते हैं ना कि मलकुल मौत की तरह, मतलब यमराज की तरह उसका पीछा करके उसका पैसा मैंने निकलवा लिया। पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए ही मेरे वापस आए 4 महीने में, 4 महीना मेरा 1,00,000 रुपया फंसा रह गया। मैं खुशकिस्मत था निकल गया, लेकिन हर लोग मेरे जो नीचे वाले थे वो 10,000 रुपए लेकर संतुष्ट हो गए कि जाने दो फ्रॉड, हम समझ रहे थे कि फ्रॉड होगा। अब सोचिए कि उनका 20,000 रुपया, दो आदमी का 20,000 रुपया, वो तो उस कंपनी के अंडर में गया जी। कंपनी ने जितना फ्रॉडिंग किया होगा हमें लगता है कि अरबों रुपया उसने फ्रॉडिंग किया था। तो ये चीजें समझाने और समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना फ्रॉड हो चुका है और हम लोग इतने उम्र पा चुके हैं कि ये सब चीजें देख चुके हैं। नई नई चीजें आएंगी कि आप इनको ये सेल कराइए। मैंने एमवे तक वालों को मैंने चैलेंज कर दिया था कि भैया आपका ये चेन है, वो गर्म हो गए, ये चेन नहीं है, ये हमारा ये सिस्टम है, नेटवर्क है, ये है वो है, चेन सिस्टम नहीं है, गुस्सा हो जाते थे। हमने बोला आपका भी ब्रेक होगा। और आज के दिन एमवे का भी क्या कहानी हो गया आपको पता है, एमवे भी कहानी सोल्ड हो गया उसका, अब लोकल मार्केटिंग में अपने सामान को बेच रही है जी। तो जैसे ये ऑन पैसिव के बारे में आपने सुना ही होगा, जानते होंगे कि ये बताती है
मैं आईटी सेक्टर, आईटी बेस्ड कंपनी है ये, नॉट इट्स नॉट अ एमएलएम कंपनी, इट इज आईटी बेस्ड कंपनी, और ये बनाती है ऐप और बहुत सी चीजें बनाती है जो भविष्य में सिर्फ आपको दिखा रही है सपने, और अभी तक कुछ लॉन्च नहीं कही है। तो इसको किस मैं तरीके से, आपको कहना चाहता हूं कि ये जो है ना ऐप बनाने वाले लोग जो हैं, ये तो बेचारे ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको दे दो तो 10-20 ऐप ऐसे ही बना देंगे। ऐप बनाने से कुछ भी नहीं होता है, इतनी बड़ी कंपनी हमारे इंडिया में, उसको लोग नहीं पूछ रहे हैं। ये टेलीग्राम है, उसके बाद मुस आई, बहुत सारी ऐप आई है। तो ये सब जो बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये सब ऐप वैप का झटका किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब उन्हीं लोगों को समझाएं जो अभी नई खेप में आए हैं, नई सोच में आए हैं, उनको करें। लेकिन हम लोगों की तो कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, जो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम को आप चलाइए, लोगों को, शुक्रिया, कुछ लोगों को बचाइए। देश में पैसा, अभी देश में बहुत बिल्कुल बेरोजगारी है और बहुत आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है। देश को बचाना बहुत जरूरी है। जी जी, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमको ये चीज दिखाना है और हम अपना कर्तव्य पूरी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। लारव जी, लारव जी, जी ये इस कंपनी से आपसे जानेंगे कि बिहार की, पूरे बिहार क्या, पूरे देश की जनता, आपका कोई ऐसा मैसेज दीजिए जो ऑन पैसिव कंपनी से लोग बचे और उसको समझें। जो पैसा दे चुके हैं, जो लगा चुके हैं, वो अब बैठे, बाकी के लोग न लगाएं, इसको कैसे आप रोक सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं कैसे, ऑन पैसिव के बारे में? ऑन पैसिव के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, जो भी आप लोग मतलब इस तरह इंटरेस्टेड हैं, आप उस पैसे को अभी फिलहाल और भी किसी काम के लिए, क्योंकि आपके घर में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, पहले उसको देखिए और वेट एंड वॉच कीजिए। अब बहुत जल्द बिल्कुल, ये वेट एंड कंपनी वॉच, अपने असली रूप दिखाएगी। जी बिल्कुल। तो विजय जी, बस एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा आपसे भी, और लारेब जी आपको अभी इसके बाद भी ऐड करेंगे। विजय जी, अक्सर हम लोग भी देखते हैं, चूंकि रोड पे भी रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में रहते हैं, लोग बड़े परेशान हाल में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम को कुछ ऐसा धंधा, हमको ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम रोजगार पा सकें। तो क्या सरकार को इस चीज पे कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेते हुए, कि इस तरीके की फ्रॉड को बचे और अपने पैसे को सुरक्षित रखें, और सरकार कुछ ऐसे दो चार ऐसे अपने काम काज कुछ ऐसे निकाल दे जिससे लोग, जो बेरोजगारी है, दूर हो सके? सर, ये तो सरकार का ही काम है कि बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, जी लेकिन सरकार आज बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल है। जी सबसे ज्यादा हाइट परसेंटेज इस साल आया है बेरोजगारी का। जी बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, इससे इस देश की सामान्य जनता को बहुत बड़ी तकलीफ है। सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के पास रोजगारी नहीं है। जो उनके पास अपना जो ऑर्गेनाइजेशन था वही बेचने के लिए निकले हैं। ये तो रोजगार तो दे नहीं सकते। अब ये जो तो युवा पीढ़ी है, इन्होंने ही अपना रोजगार खुद ढूंढना चाहिए कि क्या करना चाहिए। और ये रोजगार जब ढूंढेंगे, छोटे से भी चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमको तो बोला है कि भाई समोसे का समोसा भी तलते हो तो रोजगार है। तो समोसा न तलते हुए कुछ तो भी अच्छा काम करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। बैंक से लोन लेके एक सेल्फ कंपनी ओपन करनी चाहिए और वहां बिल्कुल पे वो खुद भी रोजगार ले और दूसरों को भी रोजगार बिल्कुल, दे। मैं एक चीज रोकना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी लारे लोगों दीजिए। को एक चीज और देखना चाहिए कि आप कुछ मत कीजिए, आप गूगल पे सिर्फ सर्च कीजिए ऑन पैसिव, सिर्फ आप सर्च कीजिए और उसके फ्रॉड के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा। भाई, हम लोगों के चिल्लाने से क्या है, बहुत सारे कंप्लेन हैं ऑन पैसिव के रिलेटेड। जी, बिल्कुल 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 आ रहे जी। लोग तो सवाल क्यों है? जी, लोग सवाल कर रहे हैं, इस पे सवाल उठा भी रहे हैं, और सवाल उठाने उनका जायज भी है, और
हम नहीं अभी हम अच्छा जो लोग हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और उसमें निगेटिव कमेंट ज्यादा करते हैं वो वही लोग हैं जो ऑन पैसिव से जुड़े हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए कि 7 लाख लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और हमारी जो 135 करोड़ जनता है वो उसमें कोई अब इसमें नहीं फंसे। बस मेरा काम यही है करना और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और रही बात कि निगेटिविटी दिखाने की कंपनी की, तो अगर कंपनी को निगेटिव आप नहीं चाहते दिखाना तो कंपनी के आप अपने उच्च अधिकारी से, अपने ऊपर के ऑफिसर से बात करिए, कहिए कंपनी को लॉन्च करे, प्रोडक्ट लॉन्च करे। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं देशवासियों को कि विदाउट एनी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी इंडिया में इलीगल होती है। मैं बार और जो सपने दिखाते हैं ना वही सपने जो वजह से ये कानून लाया गया। जी बिल्कुल, और लाया गया। और आप लोग समझे, आप जो ऊपर बैठा बंदा है आप उसके कस्टमर हैं, आप पैसा दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ सपने हैं ऐसा होगा। ये कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, किसी कारणवश नहीं हुआ, कोरोना पैंडेमिक में नहीं हो पाया। भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी है और इतना पैसा उसके पास है, बिलियन बिलियन पैसा है, तो कितना टाइम लगता है आपको एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। और मैं देशवासी से फिर ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट आता भी है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो आप बड़ा सोच समझ के कि वो 200-400-500 का प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे और भी पूरा पैसा इकट्ठा करेंगे। और फिर ज्यादातर मैं बार बार कह रहा हूं सब कंपनियां नहीं लेकिन 99% कंपनियां फ्रॉड होती हैं और वो भाग जाती हैं आपका पैसा लेके। आप ज्वाइन हो चुके तो आप रुक जाएं, लेकिन बाकी को लोगों को अवेयर करें। और जैसे मैं कह रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी हमारे चैनल पे आने के लिए, आपने टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत धन्यवाद आपका, जी लारेब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाल के दिया। आप बहुत बिजी आदमी है मुझे भी पता है, लेकिन आपने हमारे चैनल पे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद धन्यवाद। आगे की वीडियो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम अपनी आपकी आवाज बनकर अपने चैनल पर इसी तरीके कंपनियों का भांडाफोड़ करते रहें और इसी तरीके से आपको बचाते रहें, आपको जागरूक करते रहें। आगे क्या अपडेट आता है ऑन पैसिव या एमएलएम या किसी तरीके की आईटी कंपनी या कोई एमएलएम कंपनी की, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भारत।